प्रदेश में शराब की बची दुकानों के आवंटन को लेकर विभाग में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें पुनः टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही 5 जनपदों की 20 शराब की दुकानों को आवंटित कर दिया जाएगा। जो हमारी 20 दुकानें जो 43 करोड़ की थी, जो हमारी रुकी हुई थी, उसको हमने निकालने की कार्रवाई को प्राथमिकता दी, ताकि जो हमारा वार्षिक लक्ष्य है उसको हम समय रहते प्राप्त कर सकें। जहाँ तक आप ओवर रेटिंग के संबंध में बता रहे हैं, तो सभी जनपद के अधिकारियों को और सर्कल इंस्पेक्टरों को ताकीद कर दी गई है कि रेंडमली चेकिंग करते रहें, और आप देख ही रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों में जहाँ पे भी ओवर रेटिंग की शिकायतें कंफर्म हुई है, वहाँ पे 50,000 से लेकर 75,000 तक के फ़ाइन किए जा रहे हैं। जो भी नियम में प्रावधान है उसके तहत अगर फिर भी इसकी पुनरावृत्ति होगी तो दुकान निरस्तीकरण की कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। आबकारी आयुक्त हरीश चंद्र सेमवाल ने कहा कि प्रदेश में शराब की ओवर रेटिंग को लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें विभागीय अधिकारी समय समय पर शराब की दुकानों पर छापेमारी का रेंट को चेक करने का काम करेगा। आबकारी आयुक्त ने कहा कि अगर कहीं पर भी शराब की ओवर रेटिंग पकड़ी जाती है तो उसके खिलाफ जुर्माना लगाने और दुकान के बंद करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।